हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा। और आज है इस वीडियो में भिंडी की सब्जी, जो बहुत ही मसालेदार लटपटी सी सूखी सब्जी है, जिसे आप पराठा, नान, सब्जी, पूड़ी किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो इसका नाम है लहसुनी भिंडी प्याज मसाला की सब्जी, जो बहुत सिंपल है और घर में रखे हुए इन्ग्रीडियंट के साथ बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी मेरे ख्याल से सभी पसंद करते हैं और बहुत तरह से बनाई जा सकती है, तो एक तरह से इस तरह से भी आप भिंडी की सब्जी ज़रूर बना के देखें। तो ये लहसुनी भिंडी प्याज मसाला की सब्जी है, तो इसमें लहसुन डाल रही हूँ मैं। तो 6 से 7 कलियाँ ले लें आप बड़े साइज़ की, और इस तरह से आप चॉप करके रख लें। और 2 प्याज ले रही हूँ, एक प्याज को तो फाइनली चॉप करूँगी चॉपर मशीन में, या फिर आप चाकू से बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक काट लें। और एक के जो भी मैं काट रही हूँ, इसके सेल्स निकाल लेंगे, इसके बल्ब्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से मोटा मोटा चौकोर में काट लेंगे, और आप हाथ से इस तरह से इसके एक एक परत निकाल के अलग कर लेंगे। तो इस तरह की सब्जी में ये भिंडी प्याज मसाला की सब्जी है लहसुनी फ्लेवर के साथ। तो एक प्याज को हम इस तरह से इसके सेल्स निकाल के अलग अलग रख लेंगे। और दूसरा एक जो प्याज लिया है, दोनों मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको मोटा मोटा रफली काट के मैं जो मैनुअल चॉपर आता है इसमें चॉप कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है तो उसमें कर लें, नहीं है तो आप चाकू से ही बारीक बारीक काट लें। तो यहाँ पर बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप हो गया है, तो इसे कर लेते हैं बॉल में ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हैं, बिल्कुल लाल। तो बिल्कुल टमाटर को लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस टमाटर के साथ भिंडी का। तो इसका छिलका निकाल के मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। छिलका निकाल के आप थोड़ा सा रफली ही चॉप कर लें, क्योंकि ये टमाटर थोड़े से गल ही जाएंगे। तो इस तरह से सारे टमाटर के छिलके निकाल के हम रफली इस तरह से चॉप कर लेंगे। चलिए, सारे टमाटर को काट लिया है। अब गैस पे एक पैन रखेंगे, जिसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिसमें हम जो हमने मोटे मोटे एज ए परत निकाल के प्याज़ों काटा था, और भिंडी को फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप भिंडी देख लें किस तरह से काट रही हूँ, नरम और कौली भिंडी लेंगे। आगे का पीछे का थोड़ा सा निकाल के इस तरह से मोटे मोटे साइज में भिंडी को काट लेंगे। 1 इंच की लंबाई में आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर भिंडी काट के रख ली है, जो 250 ग्राम के लगभग है। ऑयल गर्म हो चुका है, तो जो हमने बल्ब्स निकाले थे प्याज के वो डाल देंगे, और इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर भिंडी भी ट्रांसफ़र कर देंगे। धीमी आंच पर दोनों चीज़ों को हल्का सा पका लेंगे। तो ढक के आप बीच बीच में चलाते हुए भिंडी और प्याज को पका लेंगे, और इसे साइड में पका लें। और तब तक हम इसका मसाला अलग पैन में तैयार करेंगे। तो दूसरी साइड मैंने रख दिया है दूसरा पैन, जिसमें डाल दिया है 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, तो वो हल्का सा तड़क जाए। तो उसके बाद डालेंगे यहाँ पे हींग, और 2 छोटे वाले तेज पत्ते डाल दिए हैं, तो हल्के से ये सौते हो जाएं। इसके बाद डालेंगे लहसुन बारीक कटे हुए, लहसुन को भी हल्का मीडियम हाई फ्लेम पे चलाते हुए सौते कर लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। और इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च इस तरह से तोड़ के मैंने डाल दी, अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इस टाइम हल्का सा सौते हो जाए लहसुन, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो जाए। यहाँ पे बारीक जो चॉप किया था हमने, अनियन डाल देंगे, और अनियन भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मीडियम हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। इसके कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें सारे मसाले को 1/2 टीस्पून में डाला है। धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, सभी को मैंने 1/2 टीस्पून की क्वांटिटी में डाला है 250 ग्राम भिंडी के साथ। तो हल्का सा तेल में मिक्स करने के बाद मसालों को यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी सारी चीज़ों के साथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून के लगभग नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए
यहाँ पे मैंने 50 ml पानी डाला है अभी। अब टोटल मैं बाद में 100 ml पानी डालती हूँ ताकि इसमें टमाटर अच्छे से पक जाए, मसाले पक जाए, और जब पानी की क्वांटिटी थोड़ी बची रहती है तो भिंडी भी उसी में ऐड करती हूँ। तो फिलहाल तो अभी इसमें मैंने 100 ml टोटल पानी डाल दिया और ढक के इसमें बॉयल आने दिया है जब। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी भिंडी और प्याज भी 50% इस पर कुक हो चुकी है। तो जब तक मैं वहाँ पे मसाले भून रही थी तो ये धीमी आँच पर हमारी भिंडी और प्याज भी थोड़े से पक गए हैं। थोड़ी देर इसे और ढक देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें बॉयल आ चुका है और एटलीस्ट ये 50% पानी इसमें, यहाँ पे पानी के साथ प्याज मसाले टमाटर सारे पक चुके हैं। बस इसमें यहाँ पे भिंडी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम भिंडी और प्याज डालेंगे ये भी इसी लटपटी पानी और टमाटर के साथ अच्छे से मशी होके अच्छे से पक जाएंगे और लटपटी सी हमें भिंडी की सब्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही हमें अब पकाना है ढक के बिल्कुल धीमी आँच पर। बीच में 1 या 2 बार आप चलाएँगे इसे। तो यहाँ पर इसे ढक दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जी हमारी लहसुनी भिंडी प्याज मसाला की सब्जी तैयार है। तो पानी पूरी तरह से सूख चुका है, आपको तेल की चमक पैन के तले में दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, तो हमारे यहाँ पे सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई, फटाफट बनती है। तो आप देख रहे हैं इसका कलर टेक्स्चर बहुत ही प्यारा आया है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में पूड़ी पराठे के साथ बना सकते हैं, लंच में दाल चावल के साथ, रोटी के साथ बना सकते हैं, डिनर में आप तंदूरी रोटी, नान और चपाती फुलके के साथ बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी रेसिपीज देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय बाय।